तो फ्रेंड सबसे पहले आपने पिक्सल लैब जो है वो एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है और आना थ्री डॉट पे। थ्री डॉट पे आने के बाद आपने इमेज साइज सेलेक्ट कर लेना और इमेज साइज सेलेक्ट करना आपने यूट्यूब थंबनेल वाला और ओके पे क्लिक कर देना। उसके बाद आना है आपने एडिट वाले ऑप्शन पे और इस टेक्स्ट को एडिट कर देना। आप जो भी लिखना चाहते हैं अपना नाम वगैरह जो भी इधर ऐड करना चाहते हैं वो आपने ऐड कर देना। मैं यहाँ सिंपली टिकटॉक लिखने लगा हूँ, आप कोई भी नाम अपना जो है वो इधर लिख सकते हो और डन पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक कर देना और इसका साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेते हो इस तरह से और इसका फॉन्ट चेंज करते हैं। फॉन्ट चेंज करने के लिए आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है इसे और यहाँ आपको फॉन्ट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। यहाँ से आपको काफ़ी सारे फॉन्ट जो है इस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और अपनी मर्जी का भी आप डाउनलोड करके फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ये वाला फॉन्ट जो है वो यूज़ करने लगा और इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पाया, वहाँ से भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली मैं इसे अप्लाई करके ओके पे क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड इस पर फॉन्ट जो है अप्लाई हो चुका है। उसके बाद आपने इसे अलाइन कर देना। अलाइन करने के लिए आपने इस वाले ऑप्शन पे आना और ये इसे आपने इसका सेंटर में कर देना है। उसके बाद फ्रेंड आपने आना है टेक्स्चर पे और यहाँ पे आपने इस पे टेक्स्चर अप्लाई करना है। टेक्स्चर का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेक्स्चर को ओपन करने के बाद सिंपली आपने ओके पे क्लिक कर देना और ये टेक्स्चर हमारे जो है वो टेक्स पे अप्लाई हो चुका है और सिंपली आपने इसे इनेबल कर देना। ओके पे क्लिक कर देना और उसके बाद फ्रेंड आपने आना है 3D वाले ऑप्शन पे और इसे इनेबल कर देना। उसके बाद आपने जो है बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करना है। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करने के लिए आपको इस ऑप्शन पे आना है और यहाँ से आपको ट्रांसपेरेंट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेना और सिंपली इसका जो है बैकग्राउंड रिमूव कर देना है। उसके बाद आपने सिंपली इसे सेव कर लेना। सेव करने के लिए शेयर वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ से आपको इसे अल्ट्रा में सेव कर लेना है और यहाँ पे आपने फॉर्मेट जो है वो PNG रखना है इसका और सिंपली आपने सेव टू गैलरी कर देना है। तो फ्रेंड हमारी पिक्सल लैब का एप्लीकेशन का काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद हम काइन मास्टर की तरफ चलते हैं। तो फिर हमारी काइन मास्टर की एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। सिंपली आपने प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और 16:9 वाला फ्रेम चूज कर लेना है यूट्यूब वीडियो के लिए। उसके बाद आपने इसका बैकग्राउंड चूज करना है। बैकग्राउंड सिंपली आपने बैकग्राउंड पे आना और ये ब्लैक कलर आपने चूज कर लेना और इसकी ड्यूरेशन जो है वो तकरीबन 10 सेकंड तक आपने वो कर लेनी है अपने इंट्रो की। कोई कम ज़्यादा भी कर सकते हो लेकिन मैक्सिमम 10 सेकंड और ओके पे क्लिक कर देना। तो फ्रेंड उसके बाद आपने लेयर वाले ऑप्शन पे आना है, मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद आपने वही पिक्सल लैब वाला टेक्स्ट जो है हमने क्रिएट किया था वो अपनी टाइमलाइन पे लेके आना। सिंपली मैं इसे ओके पे क्लिक करता हूँ और इसकी ड्यूरेशन जो है आपने इसे 10 सेकंड जितना आपने बैकग्राउंड रखा हो उतनी ही आपने इसकी ड्यूरेशन कर देनी। तो फ्रेंड उसके बाद आपने टेक्स्ट वाले लेयर को सिलेक्ट करना है और आना है इन एनिमेशन पे। इन एनिमेशन पे आने के बाद आपने इस पे एनिमेशन लगानी है। एनिमेशन लगाने के लिए आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा वाइप राइट का, आपने इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसकी जो है वो स्पीड जो है वो कुछ इस हिसाब से सेट कर लेनी जैसे मैं कर रहा हूँ, ये कुछ इतनी और ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने दोबारा से लेयर वाले ऑप्शन पे आना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है और बेसिक वाले इफेक्ट पे क्लिक करना है और ये गॉजियन ब्लर वाला इफेक्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है और ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने आना है नीचे शेप वाले ऑप्शन पे और यहाँ से आपको ये शेप सेलेक्ट करनी होती है, ये वाली। अगर कोई और शेप आपकी सेलेक्ट हुई तो आपने ये वाली शेप सेलेक्ट करनी है और इसका फैदर जो है वो आपने फुल कर देना और ओके पे क्लिक कर देना। ओके पे क्लिक करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखता हूँ और गॉजियन ब्लर वाली जो है वो लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और इसका साइज़ जो है वो अपने टेक्स्ट के हिसाब से छोटा कर लेता हूँ। ये देखो जितना ये मेरा ये आ रहा है ना टेक्स्ट, आपने भी इसी हिसाब से इसका छोटा साइज़ कर देना है और इसे थोड़ा सा बाहर रखता हूँ मैं। ये यहाँ से टेक्स्ट मेरा जो है वो शुरू होने लगा। उसके बाद फ्रेंड आपने इस पर एनिमेशन लगाना है। एनिमेशन लगाने के लिए आपको ये लेफ्ट साइड पे एक की वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर एनिमेशन लगाना है। एनिमेशन लगाने के लिए आपने की को सिलेक्ट करना है और थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। जैसे ही आपको टेक्स्ट नज़र आए ये कुछ इस तरह से आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना और थोड़ा सा इसको ड्रैग करना और इसे आपने जो है वो वन बाई वन जैसे जैसे आपको टेक्स्ट नज़र आए आपने इसे स्क्रॉल करते जाना है, ये कुछ इस तरह से थोड़ा सा ऐसे, ये बिल्कुल ठीक है। जैसे ही आपको टेक्स्ट नज़र आए आपने इसे उठा के उसी टेक्स्ट पे आपने इसे रखते जाना है।
एनिमेशन को, ये कुछ इस तरह, और एंड वाले को बाय ओके पे क्लिक कर। तो फ्रेंड उसके बाद आपने आना दोबारा से लेयर वाले ऑप्शन पे, इफेक्ट पे क्लिक करना है और गेट मोर पे क्लिक करना है। गेट मोर पे क्लिक करने के बाद आपने एक इफेक्ट डाउनलोड कर लेना है, ये वाला वेव वर्प वाला। तो मैं ऑलरेडी इसे इंस्टॉल किया हुआ, आपके पास ये डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा होगा, आपने इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। और मैं इसे बंद करने लगा, सिंपली मैं वेव वर्प वाले ऑप्शन को क्लिक करके जो है वो सिलेक्ट करके ओके करता हूँ। तो फ्रेंड वेव वर्प इफेक्ट पे भी हम उसी तरह एनिमेशन लगाएंगे जैसे हमने गॉर्जियन ब्लर वाले इफेक्ट पे एनिमेशन लगाई। तो सिंपली मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करके देखता हूँ, ये कुछ इस तरह का इफेक्ट दे रहा है। और इसका मैं साइज़ जो है छोटा कर लेता हूँ, सॉरी उससे पहले फ्रेंड सबसे पहले आपने इस शेप वाले ऑप्शन पे आना और यहाँ से आपने फ्रेम देखना है कि कौन सा फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ। उसके बाद आपने इसका फैदर जो है वो फुल कर देना है, इसका फैदर फुल करके ओके पे क्लिक कर देना। अब मैं वेव वार्प वाले ऑप्शन पे को सिलेक्ट करता हूँ और उसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा कम कर देता हूँ, कुछ इस तरह से थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। सिंपली इसे थोड़ा सा ड्रैग करके देखते हैं, ये तो फ्रेंड इस वेव वर्प वाले ऑप्शन पे भी हमने एनिमेशन लगानी है। एनिमेशन लगाने के लिए वही तरीकाकार जो हमने गॉजियन ब्लर वाले इफेक्ट पे अप्लाई किया था, आपने भी सेम टू सेम उसी तरह वेव वर्प वाले ऑप्शन पे भी इसी तरह आपने एनिमेशन क्रिएट करनी है। तो एनिमेशन क्रिएट करनी है, सिंपली आपने की वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो थोड़ा सा आगे ड्रैग करके देखना इसे, यहाँ से हमारा टेक्स्ट शुरू हो रहा है यहाँ से, यहाँ पे आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना। थोड़ा सा मज़ीद ड्रैग करके देखता हूँ, और आपने जैसे आपको टेक्स्ट नज़र आपने उठा के उस टेक्स्ट के ऊपर आपने इसी एनिमेशन को रख देना है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आपने सभी टेक्स्ट के ऊपर इसी अप्लाई करते जाना है, ये कुछ इस तरह से। कुछ ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ये उस मरीज ड्रैग करके देखता हूँ ये। उसके बाद आपने इसे जैसे ही आपका टेक्स्ट जो है वो ख़त्म होता है आपने इसे बाहर ला के छोड़ देना और ओके पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपने आना लेयर वाले ऑप्शन पे, मीडिया पे क्लिक करना। मीडिया पे क्लिक करने के बाद ये गोल्ड इफेक्ट आपको इस पर अप्लाई करने हैं। अप्लाई करने के लिए मैं इसे थोड़ा सा ड्रैग करके इसे अपने इस जो है स्क्रीन के हिसाब से पूरा करने लगा। और आ रहे हैं आपने ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे, और इसका ब्लेंडिंग मूड आपने चेंज करना है। ब्लेंडिंग मूड आपने कौन सा चेंज करना है, आपने स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना और ओके पे क्लिक कर देना। मैं अब सिंपली प्ले करके देखता हूँ इसे, तो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट देने लग गया। उसके बाद फ्रेंड आपने दोबारा से लेयर वाले ऑप्शन पे आना है, मीडिया पे क्लिक करना है। एक और गोल्ड इफेक्ट इस पे मैं अप्लाई करने लगा हूँ, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ये कुछ इस तरह से। और इसका साइज़ मैं थोड़ा सा ये अपने क्लिप के हिसाब से बड़े करने लगा हूँ, स्क्रीन के हिसाब से। और इसको भी आपने ब्लेंडिंग मोड में आके इसका ब्लेंडिंग मोड आपने स्क्रीन कर देना और ओके पे क्लिक कर देना। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरह का इफेक्ट दे रहा है ये वाला। तो मैं थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी जो है वो कम करने लगा हूँ ताकि ये हमारे जो है वो इंट्रो के साथ मैच कर जाए। अल्फा ओपेसिटी पे आता हूँ और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ, ये कुछ इतनी सी। और उसके बाद आपने दोबारा से लेयर वाले ऑप्शन पे आना है, मीडिया पे क्लिक करना और एक और इफेक्ट आपने इस पर अप्लाई कर लेना है। और इस इफेक्ट का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका साइज़ भी आपने उसी अपनी स्क्रीन के हिसाब से फुल कर देना। ये वाला फ्लेयर इफेक्ट में इसमें अप्लाई करने लगा हो तो सिंपली आपने भी इसका जो है ब्लेंडिंग मूड स्क्रीन कर देना है। ब्लेंडिंग में आना है, स्क्रीन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना और ओके पे क्लिक करना। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ ये किस तरह का इफेक्ट दे रहा है। तो इसकी हम थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड मैं इसे थोड़ा सा ड्रैग करके देखता हूँ और फ्लेयर वाले ऑप्शन को सिंपली ड्रैग करके आगे लेके जा रहा हूँ। जैसे ही हमारा ये ऑप्शन ख़त्म होगा तो फ्लेयर वाला इफेक्ट जो है वो शुरू होना चाहिए, ये कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, तो फ्रेंड हमारी फर्स्ट फाइल जो है वो ओके हो चुकी है। सिंपली आप इसे अपनी डिवाइस में सेव कर लीजिए। फ्रेंड इसके बाद आपने दोबारा से लेयर वाले ऑप्शन पे आना है,
मीडिया पे क्लिक करना और जो अभी हमने फाइल एक्सपोर्ट की थी अपने डिवाइस में उसे अपने टाइमलाइन में लेके आना ये वाली, और इसे हमने ड्रैग करके इसका साइज अपने क्लिप के हिसाब से पूरा कर लेना है, और इसका ब्लेंडिंग मोड भी आपने स्क्रीन कर देना है ये कुछ इस तरह से, और सिंपली मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। उसके बाद आपने एक्सपोर्ट की हुई फाइल को सिलेक्ट करना है और आना है रोटेटिंग वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से आपने मिररिंग वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेना और ओके पे क्लिक कर देना, और उसे सिंपली सिलेक्ट करके इस तरह से ड्रैग करके नीचे ले आना अपने टेक्स्ट के हिसाब से बिल्कुल इसी तरह, ये कुछ इस तरह से। और आना है आपने क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे, उसे क्रॉप कर देना है कुछ इस तरह से इतना, और मास्क को अप्लाई कर दे, ओके पे क्लिक कर दे। तो फ्रेंड उसके बाद आपने दोबारा से लेयर वाले ऑप्शन पे आना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको एक इफेक्ट इस पर अप्लाई करना है बेसिक इफेक्ट वाला गॉडियन ब्लर, इसे सिलेक्ट किया ओके पे क्लिक किया, और इसकी ड्यूरेशन जो है वो पूरी मैं अपने क्लिप के हिसाब से कर लेता हूँ, और इसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसे थोड़ा सा मैं ड्रैग करके देखता हूँ, और इसे थोड़ा सा इसका साइज़ जो है बड़ा कर लेता हूँ अपने स्क्रीन के हिसाब से, उसे ड्रैग करके नीचे वाले ऑप्शन पे आपने इस गॉडियन ब्लर को अप्लाई कर देना ये कुछ इस तरह से, और उसकी सेटिंग पे जाना कि स्ट्रेंथ आपने थोड़ी सी बढ़ा देनी है तकरीबन 4 पॉइंट, और ओके पे क्लिक कर देना। तो फ्रेंड उसके बाद आपने एक्सपोर्ट किए हुए क्लिप को क्लिक करना है, और इसकी भी ओपेसिटी आपने थोड़ी सी कम कर देनी है ये कुछ इस तरह से, और ओके पे क्लिक कर देना। उसके बाद हम इसे प्ले करके देखते हैं, तो फ्रेंड हमारा गोल्ड टैक्स एनिमेशन इंट्रो जो है वो क्रिएट हो चुका है। सिंपली आपने इसे अपनी डिवाइस में सेव कर लेना, सेव करने के लिए आपने शेयर वाले ऑप्शन पे आना, या आपके पास ये एरो वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपने इसे क्लिक करना, और आपने किसी भी रेजोल्यूशन में आपने इसे डिवाइस में सेव कर लेना, और सिंपली आपने एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे अपनी डिवाइस में सेव कर लेना है। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटी रिक्वेस्ट है कि आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, ताकि आपको इस तरह के मजीद अच्छी वीडियो देखने का मौका मिलता रहे, और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।